हेलो नमस्ते वडक्कम होला मरब्बा सलाम वालेकुम। दिस इज योर एमएसकेएम विनय फ्रॉम पुणे इंडिया। एवरी ग्रेट ड्रीम बिगिंस विद अ ड्रीमर। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव विद इन यू द स्ट्रेंथ द पेशेंस and the passion to reach for the stars to change the world. Hello, namaste, vanakkam, wala marhaba, assalamu alaikum. This is Yom Muslim Khan. Welcome to my YouTube channel, MSK Vlogs. Aaj baat hogi aapki badi bahu. YZF R1 रिस्पेक्ट बनती ना भाई, ऐसे थोड़ी नाम ले सकता हूँ भाई। इसको हमने परचेज किया था 13 सितंबर 2014 को और लगभग ने एग्जैक्टली 12,101 किलोमीटर चल चुकी है। एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि अभी हम चेक किए आपका MSK। इस बाइक को लगभग 3 साल 5 महीने हो चुके हैं। 3 साल 5 महीनों का ओनरशिप एक्सपीरियंस वीडियो लॉक कर लीजिए इस बात को। ऑलराइट, तो हम अभी बात करेंगे कि इस बाइक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंजेस जो इसमें मैंने किया है वो एग्जॉस्ट, दिस इज योशिमुरा कार्बन फाइबर स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। सेकेंड, आई हैव इंस्टॉल्ड क्रैश प्रोटेक्टर्स, फोक स्लाइडर, स्पूल स्लाइडर, टैंक पैड। फोर्थ इज रबर सॉक फॉर गियर शिफ्टर एंड फ्यू स्टिकर्स, जैसे कि ये मेरा यूट्यूब का लोगो 2014 सलीम और ये कुछ माउंट गोप्रो कैमरे के लिए। ऑलराइट, सो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द फीचर। दिस मशीन हैज 998 cc 4-stroke इनलाइन 4 cylinders लिक्विड कूल्ड इंजन विथ 179.6 bhp एट 12,500 rpm। सही गैस किया आपने, पूरा रट्टा मारा गया, 3-4 take भी हो गए। एज पर द डॉक्यूमेंट इसका जो टॉप स्पीड है वो है 285 km/h, लेकिन आपके MSK ने 237 मारा है। सबूत है हमारे पास दिखाने को, आपको देखना चाहोगे तो देख लो एक झलकी फिर। इस R1 के रिव्यू के चक्कर में ना पहली बार मैंने इतनी पढ़ाई की, और भी बताते हैं बहुत सारा ज्ञान है, बट एक चीज मिसिंग है, स्वैग टशन मिसिंग था। अब मैं बात करूंगा इस बाइक के पावर मोड्स के बारे में। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि इसमें जो पावर मोड्स है उसके बारे में बताओ, तो मैं एक गहरी सांस लेके आपको बताता हूँ। इसमें 3 पावर मोड्स हैं, A, B और स्टैंडर्ड। ए सबसे ज़्यादा अग्रेसिव पावर मोड है जिसमें बहुत पावर मिलता है। मैं हमेशा ए मोड पर तभी चलाता जब मैं हाईवे पे होता, और हाईवे पे भी बहुत कम चलाता हूँ क्योंकि इतना पावर मिलता है ना, यू कैन कंट्रोल इट। और बी सबसे लोअर वाला है जिसमें ज़्यादा पावर नहीं है, और मैं हमेशा ट्रैफिक में या फिर कहीं पे भी सिटी राइड करता तो बी मोड पे चलाता हूँ। और स्टैंडर्ड मोड जो है वो ए और बी के बीच में है, मतलब सेकंड नंबर पे कह सकते हैं। जब भी आप बाइक को ऑन करोगे बंद करके तो वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड मोड पे आ जाता है। तो ए हाईवे के लिए, स्टैंडर्ड सिटी के लिए, और बी ट्रैफिक के लिए। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये भी एक चिड़िया का नाम है। इस बाइक में ये सबसे अच्छा फीचर है जिसने 2 बार मेरी जिंदगी बचाई, मतलब बाइक गिरते गिरते बची। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है बताते हैं। जब हम कॉर्नरिंग करते हैं, कॉर्नरिंग में जब हम एक्सेलरेट ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होता है, टायर ज़्यादा घूमने लगता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है कि उसका पावर कट कर देता है, तो टायर ज़्यादा घूमता नहीं है, वो बचा लेता है। तो ये 2 बार हुआ है, मैं कॉर्नरिंग कर रहा था, रेव थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दिया तो टायर घूमने लग गया, फिर उसने कट कर दिया और हम बच गए। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का काम है। इसमें 6 लेवल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितना ज़्यादा लेवल उतना ज़्यादा ट्रैक्शन कंट्रोल। मेरे नॉलेज के हिसाब से
मेरी नॉलेज के हिसाब से ट्रैक्शन कंट्रोल अगर कम्प्लीटली ऑन है तो हम लोग गाड़ी में बिली नहीं मार सकते हैं. एम आई राइट दैट वे? पता नहीं, बताओ मुझे. ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ऑन होगा तो क्या हम बिली मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं? कॉमेंट करके अपनी विचारधारा का प्रभावित करो वहाँ पर. अभी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही दुखद बात है इस बाइक के प्रॉब्लम के बारे में. इस बाइक में इतनी प्रॉब्लम मुझे आई है, आप सबको पता ही कि कितनी प्रॉब्लम आई है. प्रॉब्लम जो है वो एक ही प्रॉब्लम है, वो बार बार आती रहती है. समझ में नहीं आता कि वो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आई है. मुझे एक जापान में मेल डालना है, कंप्लेंट मेल. दो प्रॉब्लम है, एक बैटरी और दूसरा आइडलिंग प्रॉब्लम. बैटरी का प्रॉब्लम यार पता नहीं बैटरी को क्या हो जाता है, बार बार बैटरी ख़त्म हो जाती है. अब तक मैंने लगभग 4 बैटरी चेंज करा चुका हूँ. अभी एक नई टेक्नोलॉजी वाली बैटरी आई है, लिथियम बैटरी, वो मैं ट्राई करूँगा. लेकिन उसके बाद भी पता नहीं वो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है. दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है आइडलिंग की प्रॉब्लम. आइडलिंग प्रॉब्लम कैंसर है, पता नहीं कैसे लेकिन कैंसर है. बता, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है स्टार्ट करने में स्टार्ट नहीं होता है. उसके लिए मुझे 10 मिनट 15 मिनट वेट करना पड़ता है जब गाड़ी ठंडी हो जाती है, फिर जब स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट होती है. और जब गाड़ी गर्म होती है और मैं 2-3 बार स्टार्ट देता हूँ तो पूरा का पूरा बैटरी खत्म हो जाता है. अभी फिलहाल मैं बाइक को कैसे चला रहा हूँ पता है क्या? उसका दोनों हेडलाइट का जो प्लग है वो निकाल के चला रहा हूँ मैं, क्योंकि वो इतना पावर खींच लेता है बैटरी, वहीं पर खत्म हो जाती है. जब से वो प्लग निकाल के चला रहा हूँ तब से ठीक चल रही है. ये प्रॉब्लम क्यों है मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा. मैंने इतना पे किया, मेरा ड्रीम बाइक है, और जब से मैं उसको खरीदा हूँ लगभग 6 महीने में मैं 4 महीने परेशानी में रहता हूँ, 2 महीने इंजॉय करता हूँ, 4 महीना वही दुख यारी कहानी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही है. जब भी थ्रोटल बॉडी क्लीन करते हैं तो ये ठीक हो जाता है, उसके 1-2 महीने बाद फिर से सेम प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक, आई शो यू कि कैसे वो मैंने प्लग निकाला हेडलाइट का. आइए, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. आओ ना, आ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ पर होता है हेडलाइट का प्लग जो कि हमने निकाल के रखा हुआ है. ये प्लग है, ये प्लग बाहर निकला हुआ है. ये मैंने एक और ब्लॉग में भी बताया है. ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस वीडियो था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा. और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं इसको बहुत अच्छे से बनाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे से बनाने के चक्कर में ये बन ही नहीं रहा था, इसीलिए ये बहुत जल्द बनाया गया. लगभग 2 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा शूट कंप्लीट करके आपके सामने रखा गया है. अब और ज़्यादा लेट नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं. तो ये इतना एक एक्सपीरियंस ओनरशिप रिव्यू वीडियो मैंने आप लोग के लिए रख दिया. बहुत टाइम से मुझे लोग बोल रहे थे, लोग गाली भी दिए कि नहीं बना रहा हूँ मैं, फाइनली आ गया. थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ डे. आई सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज. लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम. एनर्जी थोड़ी डाउन है क्योंकि डाउन है. बैम. Okay, so now I'm gonna talk about the feature. This machine has 998cc liquid. Okay, so now I'm gonna talk about the features. Of course, this bike comes. Now I'm gonna talk about the features. This machine has 998cc. Abhi agar ye. Okay, so now I'm gonna talk about the features. This machine has 998cc with 4-stroke inline 4 cylinders,